चुनावों के नजदीक आते देख अब भाजपा नेता सक्रिय हो चुके हैं, केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलोरिया बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने 52 गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। गैस कनेक्शन पाकर महिलाएं भी बेहद खुश और उत्साहित दिखीं। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें बेहद महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना है, जिसमें उन गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनके घरों में गैस नहीं है और वे केवल आग जलाकर खाना बनाती हैं। आग से निकलते धुएं की वजह से ज्यादातर महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब रहता है और आंखों की कई बीमारियों से जूझना पड़ता है, इसलिए उन महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस कनेक्शन बांटे गए। देश को, प्रदेश के हर किचन को, हर चूल्हे को धुआं मुक्त करने का बीड़ा उठाया है और आज 52 कनेक्शन यहाँ पे बांटे गए। हमारे इस जिला का लक्ष्य जो लिया था 2328 उसको कंप्लीट करके विभाग ने 2000 का लक्ष्य और लिया है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,20,000 ऐसे परिवार निकाले हैं जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने से वंचित रहेंगे, उनको फ्री गैस के कनेक्शन देना और उसका लक्ष्य तय करना। 31 मई से पहले हमारा प्रदेश धुआं मुक्त प्रदेश घोषित होगा और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि पूरे देश में धुआं मुक्त होने जा रहा है। हर घर में गैस का कनेक्शन 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में भी पूरे देश भर में अग्रणी बनेगा, इसके लिए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें घर में आग जलानी नहीं पड़ेगी और ना ही जंगल जाकर लकड़ियां लानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार का धन्यवाद भी किया। परेशानी होती जब लकड़ी चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो हमारा धुआं, जो लकड़ियों का धुआं होता है वो फेफड़ों में जाता है और हमारे फेफड़ों को मतलब कि ख़राब कर देता है, जिससे बहुत सी बीमारी होती है। तो इससे बचने के लिए जो भी योजना चलाई हमारी जीवन के लिए, ये धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री का भी। चूल्हा झोंकना पड़ता था, उससे भी हमारे को मतलब काफ़ी हो कि कितनी बीमारियाँ होती चूल्हे से कि भी हाँ, धुआँ जब हमारे गैस हमारे फेफड़ों में जाती है तो हमारे को कई तरह की बीमारियां हो जाती है, तो इससे भी मतलब कि हमारे को बचाव हो जाता है। फिर धन्यवाद करती जिन्होंने ये योजना चलाई। इससे पहले हम लकड़ियों से खाना बनाया करते थे, आज हमारे को एक योजना के तहत यहाँ से सिलेंडर और ये गैस की सुविधा मिल रही है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के, जयराम ठाकुर जी के, कि जिन्होंने हमारे को इतनी अच्छी योजना दी और हम आशा करते हैं कि बार बार ये सरकार आए।